आर्थिक गतिविधियों में सुधार का मिला एक और संकेत। अक्टूबर के पहले 15 दिन में बिजली की मांग 11.45% बढ़कर 55.37 बिलियन यूनिट रही। कोरोना से बंदरगाहों पर कार्गो हैंडलिंग घटी। 12 प्रमुख बंदरगाहों पर थर्मल और कुकिंग कोल का आयात 25% घटकर 5.5 करोड़ टन पर सिमटा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक खुले 40 करोड़ से ज्यादा खाते। आधे से ज्यादा जनधन खाते महिलाओं ने खुलवाए। एमएसएमई निर्यात संवर्धन परिषद नाम के संगठन के तौर तरीकों पर एमएसएमई मंत्रालय की चेतावनी। कहा, अवैध तरीके से मंत्रालय का नाम का कर रहा इस्तेमाल। ट्रेनों से पैंट्री कार हटाने पर 10,000 नौकरियों पर मंडराया खतरा। बड़े स्टेशनों पर बेस किचन बनाने और ई पैंट्री के जरिए डिलीवरी से होगा नुकसान। फेस्टिव सेल में फ्लिपकार्ट पर अब तक 70 से ज्यादा रिटेलर्स बने करोड़पति। अमेजॉन पर 5,000 सेलर्स ने बेचे 10 लाख रुपए के प्रोडक्ट। रिलायंस जियो 3,000 ने बेचेगी 5G स्मार्टफोन। 20 करोड़ 2G फोन यूजर्स को करेगी टारगेट। बॉक्साइट के खनन के लिए दीर्घकालिक योजना बनाए बगैर भारत एल्यूमिनियम का ग्लोबल हब नहीं बन सकता। आत्मनिर्भर भारत के तहत बॉक्साइट पर साफ नीति बनाने की मांग। कृषि मशीनों और भारी वाहनों के लिए कम डायमीटर के मोटे स्टील ट्यूब्स लॉन्च। एपीएल अपोलो ने नई टेक्निक को उतारा। त्योहारों में 7 शहरों से 7 अलग अलग दिन 200 पुजारियों के साथ आईटीसी करेगा पूजा का आयोजन। 21 अक्टूबर से 29 नवंबर तक होगी पूजा।